नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। मुंह हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिसकी सेहत और स्वास्थ्य को अमूमन लोग नजरअंदाज कर जाते हैं। यही वजह है कि कई लोग इस लापरवाही के चलते मसूड़े की सूजन से परेशान रहते हैं। कभी किसी ने सोचा है कि आखिर मसूड़ों में अचानक सूजन आने के पीछे कारण क्या है, या फिर इससे निजात पाने के लिए किन सावधानी और उपायों को अपनाना चाहिए? अगर आपका जवाब ना है तो आगे इस वीडियो को जरूर देख लें। मसूड़े आखिर क्यों फूल जाते हैं? ऐसे में जिजिनवाइटिस, जिसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहा जाता है, वो एक खास कारण बन सकता है मसूड़ों से संबंधित किसी भी बीमारी के लिए, और जिससे मसूड़े फूल भी जाते हैं। वायरस या फंगस इन्फेक्शन के कारण, पोषण की कमी के कारण, डेंचर यानी नकली दांत या मुंह के अन्य उपकरणों की खराब फिटिंग के कारण, गर्भावस्था के कारण, टूथपेस्ट या माउथ वॉश के प्रति अधिक संवेदनशीलता के कारण, स्कर्वी यानी कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग के कारण, किसी दवा विशेष के दुष्परिणाम के कारण, दांतों या मसूड़ों में फंसे खाद्य अंश के कारण। अगर आपके भी मसूड़ों में सूजन बनी रहती है तो आप 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर को मसूड़ों पर लगाएं और 5 मिनट बाद इसे रगड़ें। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करें। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, इसलिए मसूड़ों की सूजन को कम करता है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच सरसों का तेल लेकर मिला लें और मसूड़ों पर लगाएं। 10-15 मिनट तक इसे रहने ही दें, फिर बाद में पानी से कुल्ला कर लें। इस प्रक्रिया को हफ्ते में 2 बार करें, आपको मसूड़ों में सूजन की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।